हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। खबर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी से। यूपीएससी ने कम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यानी सीडीएस फर्स्ट 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कुल 345 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित अकेडमियों में भेजा जाएगा। आयोग ने इन पदों के लिए महिलाओं और पुरुषों से आवेदन मांगे हैं। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। याद रहे, आवेदन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 17 नवंबर शाम 6 बजे तक। आज से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है जो 17 नवंबर तक चलेगी। रिक्तियों का बात करें, जो रिक्तियाँ हैं तो सबकी अलग अलग संख्या में रिक्तियाँ हैं, आयु सीमा भी सबकी अलग अलग है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। वहीं शैक्षिक योग्यता की बात करें, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेवल एकेडमी की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री और 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का अध्ययन किया हो या इंजीनियर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। वहीं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो महिला SC ST वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 200 रुपये फ़ीस देनी है। यानी कि महिलाओं और SC ST वर्ग को कोई भी फ़ी नहीं देनी है, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको 200 रुपये फ़ी देनी है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, उसे एक बार आप ज़रूर रीड कर लें, जिसके आपकी हेल्प हो जाए। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये खबर थी UPSC से। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।